हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अथर हाजिर हूँ आज एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है फाइल्स, बवासीर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों को फाइल्स की प्रॉब्लम है या बवासीर हो चुकी है, तो उनको कौन कौन से खाने नहीं खाने चाहिए और किस किस चीज़ की परहेज करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। देखिए, जिन लोगों को फाइल्स की प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले तो उन्हें जितने भी एनिमल प्रोटीन है वो नहीं लेने चाहिए। ये सभी एसिडिक होते हैं और उससे जो है फाइल्स के पेशेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिसमें रेड मीट आ गया और दूसरे मीट आते हैं, वो सब नहीं लेना है। दूसरा जो है वो फाइल्स के पेशेंट को मैदा बिल्कुल भी नहीं लेना है, और मैदा से बने हुए जो भी प्रोडक्ट हैं वो नहीं लेने हैं, क्योंकि मैदा के अंदर का जितना भी फाइबर है वो सब प्रोसेस करके निकाल दिया जाता है, और मैदा को हज़म होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और मैदा बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, वो पाइल के मरीजों के लिए बहुत ही ख़तरनाक होती है। इसलिए मैदा से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना है। इसके बाद आता है मसाले। जितने भी ये मसाले हैं, लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, किसी भी तरीके की मिर्च है, कोई सी भी मिर्च है, हमारे देश में बहुत तरीके की मिर्चें होती हैं, तो वो मिर्चें फाइल्स के मरीजों को नहीं खाना है, अपने खाने के अंदर मिर्चें नहीं डालनी है। फिर उसके बाद जो फाइल्स के पेशेंट हैं, उन्हें जो ऑयली फूड है, जो बाज़ार में ऑयली फूड बिकते हैं, ये हॉकर्स वगैरह जैसे समोसे हो गए और ये मोमोज हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो भी बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं और उसमें बहुत पुअर क्वालिटी का जो है ऑयल यूज होता है, वो नहीं लेना है, उससे उनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। प्रोसेस जो मीट है, प्रोसेस फूड है, वो भी फाइल्स के मरीजों को नहीं लेना है। ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं प्रोसेस फूड जो होते हैं फाइल्स के मरीजों को, तो फाइल्स को जो मरीज़ हैं उनको इस चीज़ों को अवॉइड ही करना चाहिए। अगला नंबर है जो शकर है, जिन चीज़ों में शकर ज़्यादा है, तो रिफाइंड शुगर होती है, तो फाइल्स के मरीजों को ज़्यादा चीनी भी नहीं लेनी चाहिए। कभी कभी ज़रूरत अगर पड़ गई थोड़ा बहुत तो ले सकते हैं, तो इसे अवॉइड ही करें तो ज़्यादा है। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, फाइल्स के मरीजों को कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं और एसिडिक मीडियम के अंदर जो है फाइल्स की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो अब जो है क्या लेना है, देखिए ऐसा है, फाइल्स के पेशेंट जूस ले सकते हैं, फ्रेश जूस, उसके अंदर कोई भी चीज़ मिली भी नहीं चाहिए, ना नमक होना चाहिए ना शुगर होना, फ्रेश जूस है वो लें फाइल्स के पेशेंट। पत्तेदार सब्जी है वो खाएं, हरी सब्जियां। और एक चीज़ होती है आलू बुखारा सूखा हुआ या वैसी, तो वो लें फाइल्स के मरीज, उसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत होता है। और इंजीर हुआ, इंजीर को रात को भिगो दें और सुबह को जो है उसको पानी के साथ ही उसको मिक्सी में घोल घोल के जो है वो पी लें, उससे भी बहुत बेनिफिट होता है। इसके अलावा जो फाइल्स के पेशेंट हैं उन्हें पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। पानी पीने से क्या होगा, उनकी बॉडी एल्कलाइन रहेगी और उनका जो है एसिडिक जो मीडियम है बॉडी का वो कम रहेगा, जिससे उनके फाइल्स की प्रॉब्लम और बढ़ेगी नहीं। अनार, अनार बहुत फ़ायदा करता है फाइल्स के पेशेंट को, तो अनार ले लें। अनार के अंदर बहुत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और वो हाथों के लिए भी अनार बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा सेब भी बहुत फ़ायदा करता है। कोई भी देखिए जो एसिडिक चीज़ है, एसिडिक फूड है, वो फाइल्स के पेशेंट को नहीं लेना है। जो साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं, साइट्रिक फ्रूट्स जिस जैसे मौसमी हो गए और आपके संतरा हो गया, नींबू हो गया, और जितने भी ये खट्टे फल हैं वो फाइल्स के पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड होते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का जो है ख्याल रखेंगे अपनी डाइट को, जो फाइबर वाले जो है ना कंटेंट हैं वो अपने खाने में आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फाइबर वाले कॉन्टेंट जिन चीज़ों में फाइबर ज़्यादा होता है वो लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आपको वो फाइल्स की प्रॉब्लम में तकलीफ़ नहीं होगी। और
जितने भी फल हैं, जितनी भी हरी सब्जी हैं, इनके अंदर फाइबर कॉन्टेंट्स फूड होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होते हैं। उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो से पाइल्स के जो पेशेंट हैं उनको काफ़ी लाभ मिला होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नई नई मेरी वीडियो मिलती रहे, नए नए अपडेट आपको मिलते रहे। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।